तो भैया क्रिसमस के दिन पे अगर बाहर ही नहीं खा के आए तो क्या खा के आए हैं? इसलिए भाई आज चलते हैं पास में बढ़िया है एक वो ढाबे वाली गली भूली है अपने पास में, उसमें पहुंचते हैं और फिर जाके आज खा के आते हैं। कोई रोमांचकारी कोई आइटम है? पनीर ही नहीं खाया तो क्या खाया? चलो भाई मिलते हैं। अरे भैया चलते हैं नीचे। ओ भाई साहब भिड़ गए खाने के चक्कर में, पहुंचते फिर अपने गाड़ी लगाई पार्क में, बाहर निकलते ही पता पड़ गया कि भैया आज सर्दी बहुत टाइट है और है। उसको देख के फिर अपने ये बालक अपना भांजा है जीनू उसको आगे बगाया क्योंकि भूख इसको ज्यादा तेज लग रही थी। जाके बैठे भाई, ओपन में बैठने का था तो ठंड प्रॉपर लग रही थी भाई और बिल्कुल भूख से मतलब तड़फड़ा रहे थे। इतने में बढ़िया सॉफ्ट मतलब बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू था यार। आया यानी कि अपन उससे पहले अपने घर के लड्डू थे वो लेके खाए अपन ने, थोड़ी देर इसको छेड़ा, बढ़िया सा ऑर्डर करा और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में जैसा कि होता है हमेशा भूख तेज लगती है और ऑर्डर थोड़ा लेट आता, लेकिन जिसका इंतजार था वो आ गया। ये भैया इनकी ये पनीर की सिग्नेचर डिश थी, पनीर बुखारा कुछ करके अंगारा। और भाई यार ये चीज़ सॉलिड थी और जितना चटपटी दिख रहा है ना यार इतना खाने में लाजवाब था। लेकिन अपना भैया एक पनीर से कैसे पार बढ़ती है, क्योंकि गर्मा गर्म नान के साथ में लग रहा था भाई कम बड़े ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी जो बाद में बच भी गई थी, लेकिन फिर भी हमने एक और सेफ साइड पनीर की सब्जी और मंगा ली। और कसम से भाई दो दो आइटम हो गया था ऐसे गया, पूरा महीने का पनीर का कोटा पूरा हो गया। और फिर तुम्हारा भाई आँख बंद करके गुद्दी नीचे करके जो लगाना लपेटने, दो तीन रोटी तक अपन ने तो देखा ही नहीं और भैया लपा लप खाया घूम के मज़ा आ गया यार। एम्बियंस जोरदार है, बाहर बैठ के आराम से मतलब फैमिली वाला ओरिएंटेड सीन था।